अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक हेयर प्रोटीन मास्क जो है वो ट्राई करने वाली हूँ। तो जो है बताया था मरियम परवेज़ ने, एक फ़ेमस यूट्यूबर हैं और इंस्टाग्रामर हैं, ब्लॉगर हैं, तो उन्होंने बताया था। तो मेरे भी बहुत ही फ्रिजी हेयर हैं, तो मैंने सोचा कि चलें ट्राई करते हैं और साथ साथ रिज़ल्ट भी बताते हैं कि ये कैसा रहा मेरे हेयर्स पर। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है बटर 2 टेबल स्पून। उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया था कि सॉल्टेड बटर लेना है या अनसॉल्टेड लेना है, तो मैंने नॉर्मल बटर ले लिया है। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून कंडीशनर। और साइड पे जो आई कार्ड लगा हुआ है उस पर आप देख लीजिएगा, इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और उसके बाद जो है इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे, दूध और दही और लेमन। यही बस चार पांच चीज़ें हैं जो उन्होंने डाली थी उसमें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दूध 4 टेबल स्पून, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून दही के, और इसमें मैं डाल दूँगी लेमन जूस। लेमन आपके पास अगर नॉर्मल लेमन है तो वो डाल दें, मेरे पास यहाँ पे लेमन जूस है, बॉटल है, तो मैं उसमें डाल रही हूँ 3 से 4 ड्रॉप्स तकरीबन उसके। और अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी खैर वो वाली नहीं आई थी जो कि उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाई थी। फिर भी मैंने इसको काफ़ी बीट करा कि ये उस कंसिस्टेंसी में आ जाए, लेकिन आया नहीं है। देखें कैसी थोड़ी फटी फटी सी कंसिस्टेंसी है इसकी, लेकिन खैर अप्लाई किया मैंने। और आगे बताती हूँ आपको रिजल्ट्स कैसे थे। अब अपने बालों के मैं 2 पार्टीशन कर लूँगी, पहले नीचे के पार्टीशन में उस हेयर्स में लगाऊँगी, उसके बाद मैं ऊपर के हेयर्स में लगाऊँगी, और उसके बाद इसको प्लास्टिक रैप से अपने बालों को मैं कवर कर लूँगी और 40 मिनट्स के लिए, जैसे कि उन्होंने बताया था कि 40 मिनट्स के लिए लगाना है। और उसके बाद मैं नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर से जो है वो अपने बालों को वॉश कर लिया था मैंने, तो ये मैंने लगा लिया है और इसको मैंने रैप कर दिया, और 40 मिनट्स के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने बाल अपने वॉश कर लिए। बाल जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट से हो गए थे और मैनेजेबल हो गए थे, बस मुझे इतना ही फ़र्क लगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा रहा रिज़ल्ट। अल्लाह हाफ़िज़।